मैं हूँ प्रज्ञा, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। भारत ने वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हराया, सीरीज में किए 3-0 से क्लीन स्वीप। दीपक चहर की गेंदबाजी के बाद कप्तान विराट कोहली 59 रन और ऋषभ पंत नाबाद 65 रन की शानदार पारियों के दम पर भारत ने तीसरे और आखिरी T20 मैच में वेस्ट इंडीज को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। हिटमैन ने दिया ऋषभ को नया नाम, टीम के साथियों के बारे में किया बड़ा खुलासा। सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले में फ्लॉप रहने के बाद आखिरकार पंत फॉर्म में लौटे और कैरिबिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैच की विजयी पारी खेली। मैच के बाद टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा ने बीसीसीआई टीवी के लिए ऋषभ पंत का मजेदार इंटरव्यू लिया। युवा बल्लेबाज बाबर आजम ने पाकिस्तान का कप्तान बनने से किया इनकार। पाकिस्तानी टीम के कोच मिक्की आर्थर ने भी पाकिस्तानी कप्तान पर सवाल खड़ा करते हुए युवा बल्लेबाज बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन अब खुद बाबर ने टीम का कप्तान बनने से इनकार कर दिया है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और